ये कहूंगा कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। एक बार मोदी जी का भी ऐसा ही मन की जो बात करते हैं उसमें उन्होंने इस तरह का जिक्र किया था कि नौजवानों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कुछ ऐसा काम करें जिसमें कुछ इनोवेटिव हो और लोगों को रोजगार भी मिले। तो मुझे लगा ऐसा कौन सा काम करेंगे, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा काम करते हैं जिससे मुझे भी आत्मसंतुष्टि मिले और लोगों का भी कल्याण हो। तो निश्चित रूप से अंधापन आ जाता है, 80% बच्चे जैसे सर्वाइव, जो बच्चे हमारे प्री मैच्योर बच्चे हैं उसमें 80% बच्चों में तो ये स्वतः ही धीमे धीमे पर कुदरती रूप से बढ़ जाती हैं, उनको केवल देखना होता है, उसमें किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 20% बच्चों को निश्चित रूप से इलाज की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो लेज़र के माध्यम से हो चाहे इंजेक्शन के माध्यम से हो। शुगर में आँखों में समस्या क्या होती है, जब या उच्च रक्तचाप हो यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनमें व्यक्ति की निगाह कमज़ोर हो सकती है और जा भी सकती है। लेकिन ये इसका सही समय पर अगर सही उपचार दे दें हम तो वो रोशनी को हम रोक सकते हैं आजकल। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटोजर्नलिस्ट और मैं आज आ पहुंचा हूं देश के प्रतिष्ठित गांधी आई हॉस्पिटल के प्रतिष्ठित डॉक्टर अमित गुप्ता जी के पास है, जो कि चिकित्सक के साथ साथ एक समाज सेवी भी व्यक्ति है। सर आपका स्वागत है। नमस्कार। लगता है सर काफ़ी बिजी थे आप और अपना जरूरी काम छोड़कर हमसे बात करने के लिए आए। जी बताइए। साथियों कोविड के बाद जहां पूरा स्वास्थ्य विभाग या पूरा स्वास्थ्य का महकमा देश के नागरिकों को बचाने के लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर एक नई चुनौतियां आ रही हैं। डॉक्टर साहब से उसके लिए हम मिलकर बैठकर बात करते हैं। डॉक्टर साहब कोविड के बाद पब्लिक घरों में रही लगातार और वो उसका मनोरंजन का माध्यम सिर्फ मोबाइल था, तो उस मोबाइल में कोविड के बाद में पेशेंटों की संख्या में बढ़ने में किस किस समस्याओं को नए तरीके से आप डील करते हैं? सबसे पहले तो कोविड ही अपने आप में बहुत ही बड़ी एक विकट समस्या रही, जिसमें पिछली लहर में तो इतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस बार देश में और सभी के कोई ना कोई नज़दीकी किसी न किसी को कोई ना कोई गंभीर परिणाम आए। लेकिन उस कोविड के समय में भी इस गांधी हॉस्पिटल में हमने आँखों की चिकित्सा, पर्दों की चिकित्सा, जो पर्दे आँखों के पर्दे की जो समस्याएं थी उनका निरंतर निदान करते रहे। और बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि पर्दे की समस्याएं ऐसी होती हैं अगर हम उनको सही समय पे उनका निदान नहीं करते हैं तो उसमें आगे रिजल्ट्स बहुत ख़राब हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी को पर्दा हट गया, रेटिना डिटैचमेंट हो गया है और उसकी सर्जरी सही समय पर नहीं हो पाती है तो आगे ऑपरेशन करने के बाद जो विज़न आती है बहुत कम होती है और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पेशेंट्स निरंतर आ रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो हमने भी जो है जान हथेली पर रख के अपने हॉस्पिटल आना शुरू किया और एक माध्यम बनाया, एक इस तरीके से टीम को सेट किया कि सभी लोग एक्सपोज ना हो और निरंतर हम सेवाएं देते रहे। और हॉस्पिटल पूरा स्टाफ, हॉस्पिटल के हमारे CMO, हमारे हॉस्पिटल अधीक्षक और हॉस्पिटल का पूरा मैनेजमेंट एकदम कंधे से कंधे मिलाकर काम करते रहे और हमने अच्छा काम किया इस कोविड के दौरान। और कोविड के बाद जो प्रॉब्लम शुरू हुई है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ड्राई आई। लोग निरंतर मोबाइल पे लगे रहते हैं, टीवी पे लगे रहे, बच्चे भी, सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी तो बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर की प्रॉब्लम बहुत आ रही है। अब जो बच्चे जैसे स्कूल खुले हैं पुनः, तो अब हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं सबको कोई ना कोई आँखों की समस्या लेकर बच्चे आ रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा या स्कूल में जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रहा है। तो जितना ज़्यादा मोबाइल को देखते हैं उतना मायोपिया होने की संभावना बढ़ जाती है निकट भविष्य में। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में इस तरह के रिफ्रैक्टिव वायरस केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ड्राई आई तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ज़्यादा देर ऑनलाइन रहने पर स्क्रीन के सामने रहने पर भी जो है आँखों की नमी होती है वो कम हो जाती है। सर ड्राई आई के साथ साथ एक नई प्रॉब्लम और आ रही है सामने, उसमें कुछ भेंगापन या उसे क्या कहेंगे, आँखों की पुतलियों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है सर। हाँ वो स्क्विंट है, स्क्विंट ओवर एकोमोडेशन करने से भी होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा पास में रखते हैं स्क्रीन को और उसको देखते रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आँखों की पुतलियों को बीच में सिकोड़ना पड़ता है उनको। तो कभी कभी कुछ लोगों में एकोमोडेटिव स्क्विंट जो होता है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो लेकिन इतनी सामान्य समस्या नहीं है, अगर किसी को कोई पहला प्रॉब्लम रही है, रिफ्रैक्टिव वगैरह रही है और चश्मा नहीं लगा रहा है तो इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं जो कि चश्मा लगाने से भी कम हो सकती है।
और यदि वो ज़्यादा गंभीर स्थिति में तो उसका ऑपरेशन से भी निदान कर सकते हैं। पब्लिक के बीच में 100 लोगों में 10 या 5 लोग चश्मा लगा रहे हैं, लेकिन अब चश्मा लगाने के बाद भी नज़र गिरती चली जा रही है, इससे क्या कारण? देखिए, पहले की और आज के समय में काफ़ी अंतर आ गया है। पहले लोग इतने जागरूक नहीं हुआ करते थे स्वास्थ्य को लेकर, अब सभी लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि नंबर तो रिफ्रैक्टिव एरर तो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन लोग इतने जागरूक नहीं थे और उनको जो चीज़ें, अगर उनको अपना खेत खलिहान दिख रहे हैं और अपने जानवर दिख रहे हैं, अपने बच्चों को देख पा रहे हैं, तो वो उससे संतुष्ट रहते थे गाँव के लोग हमारे। लेकिन अब जागरूकता जैसे जैसे इंटरनेट और ये सब चीज़ें आ रही हैं और जागरूकता बढ़ रही है लोगों के बीच में, तो अब वो छोटी छोटी समस्याओं को भी लेकर हमारे पास आते हैं। तो अगर हम चश्मे वगैरह में टेस्ट करेंगे तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हल्का फुल्का चश्मा आना। लेकिन अब लोगों का जैसे मोबाइल पे काम बढ़ गया है तो उनको पता लगता है कि मुझे पास का सही दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी मोबाइल चलाता है। तो ऐसे में सर, मोबाइल जो यूजर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस करनी चाहिए, क्या उसका मानक होना चाहिए, मोबाइल को कितनी दूरी से देखें और कितनी देर का गैप लें बीच में, या नॉन स्टॉप के लिए क्या नुकसान होगा? इसके लिए एक सिंपल रूल है, 20-20 रूल, यानी हर 20 मिनट के बाद आप 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 सेकंड तक आप किसी डिस्टेंस दूरी पर, काफ़ी खिड़की के बाहर या दरवाजे के बाहर दूर की किसी चीज़ को देखें, तो उससे हमारी आँखों रिलैक्स हो जाती है। जब क्या होता है, जब हम किसी पास की चीज़ को देखते हैं लगातार, तो एक तो हमारी पलकें कम झपकती हैं जब हम लगातार स्क्रीन को देख रहे होते हैं घूम के, तो हमारी आंखों के जो आंसू होते हैं उनका एवेपोरेशन बढ़ जाता है। दूसरा, स्क्रीन से रेडिएशन भी आते हैं जो कि हमारे पर्दे के लिए, आंखों के लिए, लेंस के लिए भी हानिकारक होता है। तीसरा, जब हम निरंतर अपनी आंखों को संकुचित रखते हैं तो उनकी जो मसल्स होती हैं वो थक जाती हैं, तो उनको रेस्ट का एक टाइम चाहिए। रेस्ट के लिए उसको हम अगर रिलैक्स करते हैं, आँखों को बंद कर लें, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इस तरह से हम आँखों को घुमाएँ, तो उससे हमारी आँखों को थोड़ा सा राहत मिल जाती है और इससे आप लंबे समय तक अपना आप काम कर सकते हैं, थकान भी कम होगी और कोई भी लुब्रिकेंट आई ड्रॉप आप डाल सकते हैं। लगभग सर आपको कितना समय हुआ है यहाँ पर आई हॉस्पिटल? गांधीआई में मुझे 8 साल पूरे हो गए। 8 साल के बाद सर आप इतने लोकप्रिय बड़ी तेजी से होते जा रहे हैं, जिसके भी कोई भी पब्लिक में खड़े रहते हैं तो भी साहब, मैं तो अमित गुप्ता के पास जाऊंगा, अरे के साहब हमारे तो कसगंज वाले हैं, मैं तो मिल लूंगा उनसे। और भरी भीड़ में भी लोगों को मैंने वापस जाते हुए देखा है जब आपकी ओपीडी नहीं होती है, तो ऐसे में आपके अंदर क्या खूबी है जहाँ एक और व्यवसाय बना लिया है, उसको डॉक्टरी को व्यापार बना लिया है, पैसे कमाने की एक मशीन के रूप में यूज कर रहे हैं, वहीं आप इस तरीके से बड़े उदारता के पर्चे देते हैं, इसका रीजन क्या है सर, क्या कारण है सर? कुछ भी कारण नहीं है, बस मैं तो ये कहूँगा कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। और कुछ नहीं है, बस मैं कोशिश करता हूँ कि ईमानदारी से मरीजों को देखूँ, जिसको जो ज़रूरत है वही टेस्ट लिखा जाए, जिसको जो इलाज देना है वही इलाज किया जाए, और मरीज के जब चेहरे पर मुस्कान आती है तो जो अनुभूति होती है वो उसकी मैं बयान नहीं कर सकता, वो किसी पैसे से नहीं मिलती। वो अनुभूति एक चिकित्सक को तभी होती है जब कोई डिफ़िकल्ट केस, कोई चैलेंजिंग केस वो सही करता है, और मरीज जब आता है उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, खुशी होती है, वो किसी भी पैसे से बढ़कर है, और वही हमारे लिए ऊर्जा का काम करती है, हमारे लिए जो है वो एड्रेनलिन का काम करती है, और फिर हम लगता है कि और अच्छा करें। आप डॉक्टरी पेशे में जुड़े हुए हैं, मैंने सुना है सर आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से भोजन भी करा रहे हैं। जी, अभी आपका तो डॉक्टरी पेशा है सर, पेशेंट को देखने से फुर्सत नहीं, उसके बाद भी सर आप किचन चल रहा है स्पेशल रूप से, वो विचार कैसे आया और कब से आप इस काम को अंजाम दे रहे हैं सर, और लगभग कितने लोग रोजाना यहाँ पर आपके उसमें भोजन प्राप्त कर? जी, हमने गांधीआई में एक रसोई चालू की है जो मेरी माताजी श्रीमती आशा गुप्ता स्वर्गीय और मेरी सासू माँ श्रीमती सुमन गुप्ता जी की स्मृति में मैंने और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर कंचन गुप्ता जी ने हमने ये चालू करी है। मन में ऐसे ही विचार आया कि कुछ समाज के लिए करना चाहिए, और एक बार मोदी जी का भी ऐसा एक मन की जो बात करते हैं उसमें उन्होंने इस तरह का जिक्र किया था कि नौजवानों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा काम करें जिसमें कुछ इनोवेटिव हो और लोगों को रोज़गार भी मिले। तो मुझे लगा ऐसा कौन सा काम करेंगे, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा काम करते हैं जिससे मुझे भी आत्मसंतुष्टि मिले और लोगों का भी कल्याण हो और कुछ लोगों को रोज़गार भी मिले। तो इसी सोच से मैंने ये अपनी बात हॉस्पिटल प्रशासन के सामने रखी
और उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया, हमें जगह दी, हमने उस जगह को रिनोवेट किया। एक पुराना कमरा बंद पड़ा हुआ था, उसको हमने अच्छे से रिनोवेट किया और उसमें हमने किचन चालू करी और ईश्वर के आशीर्वाद से सभी के सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है और करीब 100 से 150 लोग प्रतिदिन उसमें भोजन प्राप्त करते हैं मात्र 20 रुपये में। और खाने की क्वालिटी ऐसी है कि हम भी उसमें खाना खाते हैं, हमारा परिवार, हमारा कभी हमारी बेटी आती है तो हमारी बेटी भी यहाँ पर स्कूल से पहले आती थी तो यहीं पर खाना खाती थी, तो खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे हम घर में खाना खाते हैं वैसे ही सामान हम यहाँ पर मंगाते हैं अपने लिए, वैसे ही तेल, वैसे ही घी, देसी घी में खाना बनता है, सरसों के तेल में, पीली सरसों के तेल में खाना बनता है, अच्छी क्वालिटी का खाना है। उसमें खाने में 20 रुपये हमने सिर्फ इसलिए रखे हैं कि व्यक्ति जो भोजन ग्रहण कर रहा है वो उसकी महत्ता को समझे। मैं मतलब फ्री की चीज़ों के लिए मैं सख्त खिलाफ रहता हूँ, मेरी धारणा रहती है कि फ्री में कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भले ही उसको सब्सिडाइज करें, कम उसमें दें, तो व्यक्ति उसकी एक अहमियत देता है, फ्री की वस्तु की कोई अहमियत नहीं समझता, उसको वेस्ट करते हैं लोग, भोजन को वेस्ट करते हैं। लेकिन जब 20 रुपये का भोजन वो प्राप्त करते हैं तो वो उसको मन से खाते हैं और स्वाभिमान से खाते हैं कि मैंने भोजन लिया और खाया, किसी ने मुझे ऐसे कोई खैरात में भोजन नहीं कराया। तो 20 रुपये हमने सिर्फ इसलिए रखा कि व्यक्ति का स्वाभिमान बना रहे और व्यक्ति उस भोजन को वेस्ट ना करे। देखा साथियों, डॉक्टर साहब ने मोदी जी से प्रेरित होकर एक किचन की व्यवस्था की। सब ऐसा भी देखने में आ रहा है कि जो प्री मैच्योर जो बच्चे हैं, जो वक्त से पहले बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो थोड़ा सा इस पर सर विस्तार से पब्लिक को बताएं और हम लोगों को भी जानकारी दें कि आखिर ये क्या है और इसका उपाय क्या है। जी, ये इसे रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी कहते हैं, ROP। पहले के समय में मेडिकल सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं होती थी कि जो बच्चे समय से पहले जिनका जन्म होता था तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे, लेकिन आज की जो मेडिकल फैसिलिटीज है अपने देश में वो काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी सुधार है उनमें, तो ऐसे बच्चों का सर्वाइवल रेट बढ़ गया। लेकिन क्या होता है, जैसे कोई बच्चे का जन्म 7वें महीने को हो गया, 36 वीक्स के आसपास हो रहा है या पहले हो रहा है, तो उन बच्चों की जो आँख का पर्दा वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है और उसकी जो खून की नलियाँ होती हैं, धमनियाँ होती हैं, वो पूरे पर्दे के फैलाव नहीं हो पाता। तो जब वो बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है तो उसकी आँखों में उन नसों का बनना बहुत आवश्यक है, यदि वो नसें पूरी तरह से नहीं फैलेंगी तो उसमें अंधत्व आ सकता है। इसकी कई स्टेजेस होती हैं और सही स्टेज में, अर्ली स्टेज में ही अगर हम इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उस अंधेपन को रोका जा सकता है। ये बहुत ही घातक बीमारी है, क्योंकि अगर यदि इसको हमने लापरवाही कर दी इसकी जांच में तो निश्चित रूप से अंधापन आ जाता है। 80% बच्चे जैसे सर्वाइव, जो बच्चे हमारे प्री मैच्योर बच्चे हैं उसमें 80% बच्चों में तो ये स्वतः ही धीमे धीमे कुदरती रूप से बढ़ जाती है, उनको केवल देखना होता है, उसमें किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 20% बच्चों को निश्चित रूप से इलाज की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो लेज़र के माध्यम से हो, चाहे इंजेक्शन के माध्यम से हो, चाहे वो ऑपरेशन। लेकिन इसमें समय सीमा बहुत जरूरी है, जन्म के 1 महीने के अंदर एक जांच हो जानी अति आवश्यक है, उसके पश्चात जैसे ही उसका ग्रेड होता है उस हिसाब से उसका हम फॉलो करते हैं। तो 3 से 4 विजिट में हमें पता लग जाता है कि बच्चे की इसकी जो खून की नलियाँ हैं वो सामान्य रूप से भर रही हैं या कहीं पर उनको रुकावट है। यदि रुकावट होती है तो उसमें उपचार सही समय पर सही उपचार देना बहुत आवश्यक है, उसमें समय बहुत बाध्यता है। यदि आप इसको लेट हो गए, कई बच्चे आते हैं 6-6 महीने के बाद आते हैं, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो समय निकल गया, अब उसमें हम कुछ भी करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं इसके लिए सभी को, अपने जितने भी जो भी दर्शक हैं उनको जागरूक करना चाहूँगा कि कोई भी प्री मैच्योर डिलीवरी अगर किसी की भी हो रही है, किसी का रिलेटिव में हो रही है, तो एक बार आँख के पर्दे के डॉक्टर से उसकी आँख की जाँच अवश्य कराएं। भले ही बच्चा NICU में हो, NICU में भी हम जाकर उस बच्चे को देखते हैं और हमने अपनी, हमारे पास एक रेडकैम कैमरा भी है, हम उसके थ्रू हमारे जो फेलोज हैं वो जाते हैं और उसको वहाँ पे देखते हैं। यदि किसी को जरूरत पड़ती है तो हम उसको अस्पताल में या NICU में भी उसका हम लेज़र या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देखने में आ रहा है जो शुगर पेशेंट्स हैं बहुत तेज़ी से देश में बढ़ रहे हैं, देश में क्या विश्व में बढ़ रहे हैं और उनकी नज़र बड़ी तेज़ी से डाउन हो रही है, इस पर क्या थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको ऐसी बात बताई जाए जिससे वो सुधार करें और उनकी नज़रें बरकरार अच्छी। देखिए, शुगर जो है ये ऐसी बीमारी है जो शरीर के प्रत्येक अंग को आपको जो है अफेक्ट कर सकती है,
बेसिकली इसका जो मेन असर होता है वो आँखों में, नर्व्स पर और गुर्दों पर रहता है, हार्ट में भी होता है। शुगर में आँखों में समस्या क्या होती है, जब या उच्च रक्तचाप हो यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनमें व्यक्ति की निगाह कमजोर हो सकती है और जा भी सकती है। लेकिन ये इसका सही समय पर अगर सही उपचार दे रहे हैं तो वो रोशनी को हम रोक सकते हैं। आजकल जैसे शुगर के पेशेंट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी महामारी के रूप में एक तरह से शुगर जो है, शुगर की डिजीज़ वो आ रही है। और बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास दीर्घायु ओपीडी में, करीब 100 में से 50 पेशेंट ऐसे होते हैं जो शुगर या बीपी से अफेक्टेड है, और उनकी आंखों में कोई ना कोई किसी ना किसी स्टेज में उनकी आंखों में अफेक्ट हो रहा है। तो जैसे ये पेशेंट है, इसका उच्च रक्तचाप की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इनके पर्दे पे ब्लड आ गया और ये पूरा खून इनका भरा हुआ है। ये नस फैंस से इनको ब्लॉक होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर से पूरा ब्लड आ गया और इनके पर्दे पे इस तरीके से सूजन है। हमने इन पेशेंट को इंजेक्शन दिया, आंख में एक इंजेक्शन लगाया एंटीबायोटिक का, और इनको काफ़ी अच्छी राहत है। ऐसे ही डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ में भी इसी तरह से पर्दे पे सूजन आती है, तो उसमें या तो हमें लेज़र से, इंजेक्शन से या सर्जरी से, किसी भी तरह से उनका उपचार करना होता है। डायबिटिक पेशेंट्स को और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को वर्ष में एक बार अपनी आँखों के पर्दे की जाँच अवश्य करानी चाहिए। यदि किसी को भी 5 साल से अधिक की डायबिटीज़ है तो निश्चित रूप से एक बार पर्दे की जाँच हो। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल और चूँकि आपने हमें व्यस्त समय में से समय दिया, पेशेंट बहुत सारे कतार में खड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सरकार द्वारा मदिरापान पर कोई रोक नहीं लग रही, शराब की बढ़ती हुई बिक्री बढ़ रही है लगातार, रेवेन्यू भी सरकार पे आ रहा है, तो जो मदिरापान करने वाले लोग हैं, क्या शराब से शुगर और आँखों पर भी कोई प्रभाव? जी बिल्कुल, अभी जो बीच में आपने इंसिडेंट देखा होगा कि शराब की जो केस थे, तो हमारे अभी काफ़ी केसेस इस तरीके से अंदर रोशनी बचा ली जो सही समय पे और जल्दी हमारे पास आ गए, उनकी आँख की कुछ रोशनी बच गई कि कम से कम वो अपने देखने लायक हो गए, चलने फिरने लायक। कुछ पेशेंट अभी भी हमारे फॉलोअप में हैं, कुछ की रोशनी बिल्कुल जा चुकी है, तो बहुत ही दुख होता है। बिल्कुल यंग बच्चे से हैं और मतलब जो अकेले कमाने वाले थे अपने परिवार के। क्या वो देसी शराब थी या इंग्लिश थी या बियर थी? वो जो बीच में प्रकरण चला था, आपने देखा था, शराब कांड हुआ था, जो उसी के ही अफेक्टेड लोग थे। और लेकिन जो लोग अच्छे सही समय पर आ गए, मतलब जल्दी आ गए, उनकी हमने रोशनी बचा ली। दोस्तों, ये थे डॉक्टर अमित गुप्ता, आपने हमें सर समय दिया, विस्त समय से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और साथियों, इसी उम्मीद और आशा के साथ कि अपनों का रखें ख्याल, कोरोना से रहें सावधान, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।